अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जिस तरह के हम लोग कोर्स आउटलाइन में पहली वीडियो में आप देख चुके हैं, आपको कोर्स आउटलाइन कंप्यूटर नेटवर्क्स की एक्सप्लेन कर दी गई थी। अब उस कोर्स आउटलाइन पर जाने से पहले हम नेटवर्क्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करेंगे और इस लेक्चर में हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे कि नेटवर्क है क्या और नेटवर्क के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं और नेटवर्क के फायदे क्या क्या हैं। जैसे ही आप किसी भी फील्ड के बारे में स्टडी करते हैं, जैसे आप कोई नई फील्ड स्टार्ट करते हैं, कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, तो सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ समझ लेना बड़ा ज़रूरी है कि ये है क्या और इसके फ़ायदे क्या क्या हैं और इसके नुकसान क्या क्या हैं। इस लेक्चर में ये कुछ चीज़ें हैं जो हम सीखेंगे, आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, जिसमें से पहली चीज़ है डेफिनेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, कि कंप्यूटर नेटवर्क है क्या और इसके क्या क्या एप्लीकेशन हैं, कि कहाँ कहाँ इसको हम यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ जो हम सीखेंगे वो है कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, के कंप्यूटर नेटवर्क किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। तीसरी चीज़ इसमें है नेटवर्क बेनिफिट्स, के नेटवर्क के फ़ायदे क्या क्या हैं। फिर है डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, के क्या क्या इसके नुकसान हैं। फिर हम इसकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। अभी हम इसमें से सिर्फ इसके जो पहले चार टॉपिक्स हैं उनको हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ है आपके पास डेफिनेशन एंड एप्लीकेशन। कंप्यूटर नेटवर्क एक्चुअल में है क्या? कंप्यूटर नेटवर्क इज डिफाइंड एज इंटरकनेक्शन ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स। इट इज़ डन टू एनेबल द कंप्यूटर्स टू कम्युनिकेट एंड शेयर वैल्यूएबल रिसोर्सेज। कंप्यूटर नेटवर्क्स हम कहते हैं किसको हैं, कि कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या है। कंप्यूटर नेटवर्क्स हम नेटवर्क कंप्यूटर का उस टाइम बनता है जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में मिलाया जाता है, और इस और वो दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में मिलकर क्या करते हैं, कि एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, अपने रिसोर्सेज शेयर करते हैं और इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। जिस तरह के आप देखें कि लैपटॉप को या किसी भी कंप्यूटर को आप अपनी प्रोजेक्टर के साथ आप जब अटैच करते हैं, तो वो भी क्या हो रहा है, एक तरह का आप कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट करें कि दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस को आप आपस में कनेक्ट करें। इधर एक चीज़ मेंशन है कि डेफिनेशन के अंदर कि इंटरकनेक्शन ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स। अब कंप्यूटर आप सिर्फ ये नहीं कि जिस लैपटॉप को या पीसी को आप यूज़ करते हैं उसी को कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर एक्चुअल में क्या होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर प्रोसेसर और जिसके सामने LCD है, कि जो प्रोसेसर पर फंक्शन हो रहा है वो LCD पर डिस्प्ले करा रहा है, स्क्रीन पर डिस्प्ले करा रहा है, उसको आप कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, तो आप जो आजकल आप LEDs यूज़ कर रहे हैं, आप स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, आप कैमराज यूज़ कर रहे हैं, ये सारे के सारे कंप्यूटर्स हैं। जैसे ही आप दो या दो से ज़्यादा इन डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं, तो आप क्या करें, एक तरह का नेटवर्क बना रहे हैं। अब नेटवर्क की एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, कि नेटवर्क को हम किस किस जगह पर इस्तेमाल करते हैं। सबसे जो पहली एप्लीकेशन इसकी है वो क्या है, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज सच एज प्रिंटर्स। नेटवर्क बनाते हुए हम क्या करते हैं कि हम अपने रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। जिस तरह डिफरेंट ऑफिसेज में क्या किया जाता है कि अगर 8 से 10 लोग एक ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो 8 से 10 लोगों के लिए अलग-अलग से प्रिंटर्स या डिवाइसेस बाय नहीं की जाती। एक प्रिंटर को उन सब के साथ कनेक्ट किया जाता है कि हर बंदा अपने कंप्यूटर से प्रिंट उस प्रिंटर के थ्रू निकाल सकता है। फिर उसके बाद क्या, शेयरिंग ऑफ एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर्स एंड डेटाबेस। अब बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो हमें प्रॉपर बाय करने पड़ते हैं, जिस तरह विंडोज़ है, फोटोशॉप है, या इस तरह के डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो हमें बाय करके यूज़ करने पड़ते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क का क्या फ़ायदा होता है कि जब हम कंप्यूटर एक नेटवर्क के अंदर होते हैं, तो एक ही सॉफ्टवेयर को हम बाय करके जितने कंप्यूटर्स उस नेटवर्क के अंदर हैं वो सब उस सॉफ्टवेयर को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड जो इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फ़ायदा है वो क्या, कम्युनिकेशन ऑफ फ्रॉम वन कंप्यूटर टू एन अदर कंप्यूटर, की क्या किया जा सकता है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट किया जा सकता है। जिस तरह के आप आजकल क्या करते हैं, एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन से हम कम्युनिकेट करते हैं, एक कंप्यूटर से ईमेल दूसरे कंप्यूटर तक भेजते हैं, तो हम क्या करें, हम नेटवर्क के थ्रू एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करें। चौथी एप्लीकेशन क्या है इसकी, एक्सचेंज ऑफ डाटा एंड इन्फॉर्मेशन अमंग यूजर्स वाया नेटवर्क। जो हमारी आजकल की एज चल रही है इसको कहा जाता है एज ऑफ इन्फॉर्मेशन, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना या एक इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह शेयर करना। तो ये चीज़ हमें, ये फैसिलिटी हमें नेटवर्क प्रोवाइड करता है कि हम इंफॉर्मेशन को और डाटा को एक जगह से दूसरी जगह शेयर कर सकते हैं। पांचवा जो फ़ायदा है इसका कि शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर जियोग्राफिकली वाइड एरियाज। कि सिर्फ ये नहीं कि जो बंदा आपके पास है सिर्फ तार लगा के हम उसके साथ, जिस तरह आप कंप्यूटर के साथ डाटा केबल लगा के कंप्यूटर से डाटा फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, फ़ोन से कंप्यूटर में, ये नहीं, क्योंकि बल्कि जियोग्राफिकली वाइड एरियाज के दुनिया में आजकल आप इंटरनेट के थ्रू कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह आप अपना डाटा
भेज सकते हैं, तो ये भी क्या है आपका, एक तरह का आप कंप्यूटर नेटवर्क का आपका फ़ायदा है। नेक्स्ट हमारे पास चीज़ क्या है कि कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, कि एक कंप्यूटर नेटवर्क को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें हमारे पास रिक्वायर्ड है। सबसे पहली चीज़ जो एक नेटवर्क के लिए ज़रूरी है वो क्या है कि टू और मोर कंप्यूटर्स, के दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स मिलकर एक नेटवर्क बनाते हैं। जिस तरह कि हमने डेफिनेशन में भी हमने देखा कि नेटवर्क आप किसको कहते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है तो वो क्या करते हैं, एक नेटवर्क बना लेते हैं। सेकंड जो मेन कंपोनेंट है इसका कंप्यूटर नेटवर्क का, वो क्या है, केबल्स एज लिंक बिटवीन द कंप्यूटर्स, के केबल्स जो कि लिंक प्रोवाइड करती हैं कंप्यूटर्स के दौरान दरमियान। जैसे कि आप एक लैब के अंदर देखें तो सारे कंप्यूटर्स वायर से अटैच किए जाते हैं, जब आप मोबाइल को लैपटॉप के साथ कनेक्ट करते हैं तो आप उसको डाटा केबल के थ्रू कनेक्ट करते हैं, या आप क्या करते हैं कि जब आप एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस के साथ कनेक्ट करते हैं तो आप डिफरेंट तरह की वायर्स यूज़ करते हैं। थर्ड क्या है कि अ नेटवर्क इंटरफेसेस फेसिंग कार्ड ऑन ईच कंप्यूटर, के हर कंप्यूटर को नेटवर्क के साथ अटैच होने के लिए ज़रूरी है कि उसके अंदर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हो। ये जिस तरह के आपके लैपटॉप के अंदर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है कि जिसके थ्रू आप अपना वाईफाई कनेक्ट करते हैं, या क्या करते हैं कि आपके मोबाइल के अंदर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है जिसके थ्रू आप डिफरेंट नेटवर्क्स अपने आपका जो फ़ोन है वो डिफरेंट नेटवर्क्स के साथ कनेक्ट किया जाता है। जो नेक्स्ट चीज़ कंपोनेंट है वो है स्विचेस। नेटवर्क के लिए, एक नेटवर्क बनाने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास हार्डवेयर कुछ मौजूद हों, स्विचेस। स्विचेस क्या करते हैं कि एक नेटवर्क को, कि आपकी अगर एक वायर आ रही है तो क्या करते हैं, नेटवर्क को डिफरेंट जगह पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और जो आपके पास लास्ट कंपोनेंट है नेटवर्क का, वो आपके पास सॉफ्टवेयर कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़रूरी है, जिस तरह आपके पास लैपटॉप के अंदर आपके पास विंडोज़ है, उसके बाद आपके पास मोबाइल्स के अंदर आपके पास डिफरेंट iOS या एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, जो आप LEDs यूज़ करते हैं, या कोई भी आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ज़रूरत है। तो नेटवर्क के साथ कनेक्ट होने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। अब नेटवर्क के क्या क्या फ़ायदे हैं, जिस तरह के अपने डेफिनेशन में हमने देखा कि नेटवर्क के ज़रिए हम क्या करते हैं कि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह हम शेयर कर सकते हैं। तो ये दो मेन फ़ायदे हैं नेटवर्क के, जिस तरह आप स्क्रीन पर सामने भी आ रहा होगा कि दो मेन फ़ायदे हैं, एक है शेयरिंग और एक है कनेक्टिविटी। कि क्या किया जा सकता है कि नेटवर्क, एक तो हम क्या करते हैं कि शेयरिंग करते हैं, डाटा की शेयरिंग की जाती है, और दूसरा क्या होता है, आप एक दूसरे से हर टाइम कनेक्ट रखते हैं नेटवर्किंग के ज़रिए। अब नेटवर्क में नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है शेयरिंग रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज को हम किस तरह से शेयर, अपने रिसोर्सेज को हम किस तरह से शेयर कर सकते हैं। जिस तरह सबसे पहले मैंने डेफिनेशन, जब हम नेटवर्क के बेनिफिट्स पढ़े थे तो उसमें सबसे पहली चीज़ हमारे पास आई थी कि शेयरिंग रिसोर्सेज सच एज प्रिंटर्स। तो नेटवर्क के जो रिसोर्सेज हैं, दो तरह के रिसोर्सेज हैं, एक आपके पास हार्डवेयर रिसोर्सेज होते हैं और एक आपके पास होते हैं सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। तो नेटवर्किंग के थ्रू हम इन दोनों रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। फर्स्ट आपके पास है हार्डवेयर रिसोर्सेज, एंड नेटवर्क अलाउज यूजर्स टू शेयर मैनी हार्डवेयर डिवाइसेज सच एज प्रिंटर्स, मॉडम्स, फैक्स मशीन, CD-ROM प्लेयर्स एक्सेट्रा। कि नेटवर्क आपको क्या करता है, अलाउ करता है कि आप डिफरेंट अपने रिसोर्सेज, जैसे कि प्रिंटर्स हैं, मॉडम्स हैं, फैक्स मशीन है, CD-ROM प्लेयर्स, स्कैनर्स, इस तरह के बहुत सारे डिवाइसेज हैं जिनको आप क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। देखिए, जो भी आप कोई बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं, जब भी आप कोई काम करते हैं, किसी ऑफिस में जाते हैं, तो क्या होता है कि जो आपका जो एम्प्लॉय होता है उनकी क्या कोशिश होती है, एम्प्लॉयर जो होता है उसकी ये कोशिश होती है कि किस तरह वो अपनी कॉस्ट को कम कर सके। तो कॉस्ट कम करने के लिए सबसे ज़्यादा तो ये ज़रूरी है कि जो हार्डवेयर है वो कम से कम खरीदा जाए। तो नेटवर्क आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप एक डिवाइस खरीद के आप डिफरेंट लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ आपके पास आ जाती है आपके सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। जिस तरह मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, तो उनको आप क्या किया जाता है कि आप ऑफिस के लिए लाजमी नहीं कि अगर उसके पास 10 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं तो हर एक को वो डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स परचेज करके दें। इसलिए सारे कंप्यूटर्स को एक नेटवर्क के साथ कनेक्ट किया जाता है, तो एक सॉफ्टवेयर परचेज करके सबके साथ उसको शेयर कर दिया जाता है। कुछ और बेनिफिट्स जो कंप्यूटर नेटवर्क के हैं, जिसमें आता है आपके पास इंक्रीज स्पीड, कि आपके काम करने की स्पीड बढ़ जाती है, रिड्यूस कॉस्ट, जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज शेयर करने से आपकी कॉस्ट जो है वो कम पड़ जाती है। उसके बाद इम्प्रूव सिक्योरिटी। अब देखें कि आपने एक जगह पे आपने सिर्फ एक ताला लगाया, ठीक है, और एक जगह पे आपने 10 ताले लगाए हैं, तो आपके पास जितना आपका नेटवर्क बड़ा होता जाएगा उसकी सिक्योरिटी आपके पास बढ़ती जाएगी। कि एक बंदे के लिए आसान है वो एक ताला खोले कंप्यूटर में घुसे, या उसके लिए ये आसान है कि वो 10 में से होकर गुजरे। तो नेटवर्क के जरिए आपका क्या होता है कि आपकी जो सिक्योरिटी है कंप्यूटर की वो भी इंक्रीज़ हो जाती है,
उसके पास सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट के जितने आपके पास एक नेटवर्क में कंप्यूटर से अटैच हैं, क्या कर सकते हैं आप उनके सॉफ्टवेयर्स को एक जगह से मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। क्या क्या करते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह मोस्टली डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए आप प्रोफेशनल यूज़ के लिए ईमेल यूज़ की जाती है, तो ये भी फैसिलिटी आपको नेटवर्क प्रोवाइड करता है। उसके बाद इसका जो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है वो आपके पास लास्ट आपको नज़र आ रहा होगा, फ्लेक्सिबल एक्सेस। फ्लेक्सिबल एक्सेस का मतलब है कि नेटवर्क को आप कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। जिस तरह आपके पास आप सब लोगों के जीमेल के या हॉटमेल के अकाउंट या किसी भी ईमेल आप यूज़ करेंगे, तो आपके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप घर के कंप्यूटर पे ही आप सिर्फ अपना ईमेल आईडी खोल सकते हैं। नहीं, दुनिया में किसी भी जगह से जाके आप उस नेटवर्क को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अब बेनिफिट्स के बाद, जिस तरह हर चीज़ के अगर फ़ायदे हैं तो उसके कुछ ना कुछ नुकसान भी ज़रूर है। तो कुछ नुकसान जो नेटवर्क्स के हैं उसमें आपके पास पहली चीज़ आती है हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन। ऑब्वियसली ये कि अगर किसी ना किसी तरह ये आपकी कॉस्ट कम कर रहा है, लॉन्ग रन में आपकी कॉस्ट ज़रूर कम कर रहा है, लेकिन नेटवर्क को इंस्टॉल करते हुए आपकी कॉस्ट एक दफ़ा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपको इतने ज़्यादा कंप्यूटर्स परचेज करने पड़ते हैं, वायरिंग परचेज करनी पड़ती है, उसके बाद आपको स्पेशल प्रोफेशनल्स को हायर करना पड़ता है जो आपको प्रॉपर एक नेटवर्क क्रिएट करके दें। सेकेंड, इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि रिक्वायर्स टाइम फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, कि इसको मैनेज करने के लिए आपको प्रॉपर टाइम की ज़रूरत है, कि प्रॉपर एक एम्प्लॉय की ज़रूरत है, एक बंदा बैठा हो जो कि क्या कर रहा हो, आपके नेटवर्क को मैनेज कर रहा हो। अब एडमिनिस्ट्रेशन जो नेटवर्क की है, ये एक प्रॉपर एक इसकी फील्ड है नेटवर्किंग में, कि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें क्या किया जाता है कि सिर्फ ये चीज़ सिखाई जाती है कि किस तरह एक बने हुए नेटवर्क को आप क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। थर्ड इसका है फेलियर ऑफ सर्वर। अब नेटवर्क में क्या किया जाता है, जिस तरह आपने अक्सर देखा है कि क्या होता है, मोबाइल का अगर कहीं सिग्नल चल जाता है तो हम क्या कहते हैं कि यूफोन के सर्वर में या किसी भी कंपनी के सर्वर में हो सकता है कि कोई इशू हो। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, या किसी भी जगह पे कह सकते हैं कि नेटवर्क के अंदर, हर नेटवर्क के अंदर एक मेन सर्वर लाजमी क्रिएट किया जाता है, और अगर वो सर्वर जिसके साथ सब कुछ कनेक्ट है वो अगर ख़राब हो जाए तो उसके आगे जितनी भी डिवाइसेज हैं वो सारी काम करना छोड़ जाती हैं। लास्ट चीज़ आपके पास इसका डिसएडवांटेज आपके पास केबल फॉल्ट के, अक्सर क्या किया जाता है कि नेटवर्क में क्या होता है कि अक्सर तारें डैमेज हो जाती हैं। जिस तरह आप देखते हैं कि पाकिस्तान में अक्सर आपके पास अगर इंटरनेट डाउन हो जाता है तो उसकी प्रॉब्लम आपको क्या बताई जाती है कि क्या कि केबल्स आपके पास जो है इसकी केबल्स डैमेज हो गई, तो क्या कि नेटवर्क के अंदर केबल के अंदर फॉल्ट आ जाए तो आपका काम काफ़ी हद तक रुक भी सकता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं नेटवर्क के, लेकिन यह है कि नेटवर्क ने हमारी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा आसान कर दी है। ठीक है, जिस तरह मोबाइल फ़ोन्स ने, इंटरनेट ने, हम नेटवर्क ने क्या किया कि जिस तरह इसके कुछ नुकसान आते हैं, फ़ायदे इसके ज़्यादा हैं कि इसने क्या किया कि हमारी लाइफ को बहुत आसान कर दिया। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ हम अपना आज का लेक्चर क्लोज करते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।